सवाल रिलायंस को लेके है। आज जिस तरीके से खबर आई लिस्टिंग को लेके कि मंडे को इसकी जियो फाइनेंशियल आर्म्स की जो लिस्टिंग होने वाली है, रिलायंस पे क्या लगता है? किसी को खरीदारी करनी हो तो मंडे को सोमवार सुबह खरीदारी करके चले रिलायंस से, अगर अगले 10-15 एक महीने के नज़रिए से खरीदारी करनी हो तो? यदि नॉर्मल मार्केट होता और बुलिश सेंटीमेंट्स रहे होते तो बिल्कुल मैं अग्रेसिवली बाय करने की सलाह देता, बट मेरा मानना है कि एक जो इवेंट है वैसे ही जैसे ही वो ओवर होता है तब आजकल उस पर कोई फॉलो अप बाइंग नहीं आता है और थोड़ा सा मुनाफा वसूली होती है, तो आपको कोई ना कोई स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए क्योंकि वैल्यू अनलॉकिंग तो है और जैसे हिसाब से ग्रे मार्केट में जो जियो फाइनेंशियल का अच्छा प्रीमियम कोट हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक्शन तो जरूर रहेगा, बट क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट थोड़े से बियरिश है तो स्टॉप लॉस रख के रखकर ट्रेड करना एक बेटर स्ट्रेटेजी होती है। सीजे ने कहा ना कि खबर आ जाने के बाद हो सकता है दबाव देखने को मिले, और आज भी यही हुआ था। जब ये खबर आई थी तो हमने देखा था शेयर में एक शानदार रिकवरी देखने को मिली थी, और वापस से फिर ऊपर से थोड़ा शेयर नीचे भी हल्का भी हुआ। हालांकि अच्छी बात ये रही कि हर निशान में बंद होने में कामयाब हुआ था, एक अच्छी रिकवरी दिखा रहा था, उसके दम पे बाजार में भी थोड़ी रिकवरी आई थी। अब एक सेक्टर की बात करूंगा रत्ने, हमने देखा कि इस हफ्ते फार्मा में कुछ स्टॉक्स थे जो जिसमें सीधे तौर पर मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला। इसमें बोकार